फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओनाबेट एचडी लोशन के बारे में। और दोस्तों, डिटेल में जानेंगे इस लोशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किस तरह की जो है प्रॉब्लम में इस लोशन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ओनाबेट एचडी जो लोशन है वो एक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। और दोस्तों, इसकी जो मार्केट में रिटेल MRP है वो 198 रुपीज़ है, जो कि दोस्तों 15 ml पैकिंग की इसकी मार्केट में रिटेल MRP है। दोस्तों, बात करेंगे इसके कंटेंट के बारे में और किस तरह की जो है स्किन की प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जिन भी लोगों को दांत खाज खुजली और स्किन में जो है रेडनेस आ जाना और एक तरह का इरिटेशन लगना, तो दोस्तों उस सारी प्रॉब्लम के लिए जो है ओनाबेट एचडी लोशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसमें मेनली जो है दो कंटेंट दिए गए हैं, जिसमें कि सेटाकोनाजोल नाइट्रेट और दूसरा दोस्तों जो कंटेंट दिया गया है वो मोमेटासोन फ्यूरेट। दोस्तों, बात करेंगे इस दोनों कंटेंट के बारे में, क्या क्या इसके यूजेज है। दोस्तों, इसमें जो सेटाकोनाजोल दिए गए हैं वो एक तरह का एंटी फंगल एजेंट है, जो कि स्किन के ऊपर जितने भी जो है फंगल की ग्रोथ होती है उसको दोस्तों रोकता है। और उसको दोस्तों जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स रहती हैं फंगल की अपने स्किन के ऊपर, उसको दोस्तों ये किल करता है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन जो है आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है और वहीं पे सीमित रहता है। दूसरा दोस्तों जो कंटेंट इसमें दिया गया है वो दोस्तों है मोमेटासोन फ्यूरेट्स। दोस्तों, मोमेटासोन एक तरह का जो है स्टेरॉयड रहता है। दोस्तों, मोमेटासोन जो स्किन पे रेडनेस हो जाती है फंगल इन्फेक्शन के कारण और स्किन एकदम रेडिश हो जाती है, स्वेलिंग आने लगती है, तो दोस्तों ये उसको कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, एक स्टेरॉयड है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, सेटाकोनाजोल और मोमेटासोन, वो दोस्तों जो है हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। जिन भी लोगों को खाज खुजली दाद इसकी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इस जो है ओनाबेट एचडी लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी दोस्तों आप जो है ओनाबेट एचडी लोशन का जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें कि इसको यूज़ करने के बाद दोस्तों आपको जो है स्किन में एक बर्निंग सी फील हो सकती है, यानी एकदम बर्न जो है जलन सी हो सकती है। ऐसा कुछ होने पर दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या उनके बताए गए तरीके से आप इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर में ये आसानी से अवेलेबल जो है हो जाता है।